इकोनॉमिक्स सीएस पैरामेट्रिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमारा कौन सी मेडिसिन चल रही है? लाइफ सपोर्ट मेडिसिन चल रही है। लाइफ सपोर्ट मेडिसिन में हमने तीन मेडिसिन कंप्लीट कर ली थी, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन। ठीक है, जो एड्रेनालिन मेडिसिन थी वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती थी? नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, वो क्या करता था? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, हार्ट की मसल्स में क्या करने लगता था? कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देता था। हमारी जो क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में कौन सी लेयर होती है? म्यूकस, जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स को भी संकुचित करने लगता था। को क्या? एड्रेनालिन में जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता था? नॉन एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सी मेडिसिन। नॉन एड्रेनालिन कंप्लीट हो गई और नॉन एड्रेनालिन एड्रेनालिन कंप्लीट हो गई, डोपामाइन कंप्लीट हो गई। आज हम कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड में किस लिए यूज की जाती है? ये भी कैसी है? लाइफ सपोर्ट ड्रग्स है। लाइफ सपोर्ट ड्रग्स का मैं बार बार बता रही हूँ कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? लाइफ सपोर्ट ड्रग्स किया जाता है। ठीक है, लाइफ सपोर्ट ड्रग्स का मतलब जब हमारे पास कुछ ही समय रहता है, ठीक है, कुछ ही समय है, कुछ ही सेकेंड है, कुछ ही मिनट है, उस टाइम पे हमको पेशेंट को बचाना है, ठीक है, तब क्या होता है, कौन सी मेडिसिन देनी पड़ती है? हमको लाइफ सपोर्ट ड्रग्स देनी पड़ती है। लाइफ सपोर्ट ड्रग्स में हम फर्स्ट देखेंगे एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या देखेंगे? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये किस वनस्पति से प्राप्त होती है? ये एफेड्रा वनस्पति से प्राप्त होती है। किससे? एफेड्रा एक वनस्पति होती है जिससे कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? एफेड्रिन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वनस्पति का नाम क्या है? एफेड्रा। मेडिसिन का नाम क्या है? एफेड्रिन। ठीक है, तो किस वनस्पति से पाई जाती है? यह एफेड्रा वनस्पति की प्रजाति से होती है। ठीक है, ये क्या करती है? अनुकंपी तंत्रिकाओं को, अनुकंपी तंत्रिकाओं को क्या कर देती है? उत्तेजित कर देती है। अब अनुकंपी तंत्रिका मतलब क्या होता है? अनुकंपी तंत्रिका हमारे कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में, तंत्रिका तंत्र में। ये क्या करती है? हमारे क्रोध को क्या बद करती है? बढ़ा देती है, हमारे गुस्से को बढ़ा देती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करती है? उत्तेजना कर देती है, हमारे शरीर को उत्तेजित कर देती है, भय बढ़ा देती है, क्रोध बढ़ा देती है हमारे शरीर में। कौन सी तंत्रिका? अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, उसके बाद हम इसका यूज देखेंगे कि आखिर इस मेडिसिन का यूज कौन सा? एफेड्रिन का। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज किस पेशेंट में किया जाता है? तो किस पेशेंट में किया जाता है? अगर हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कौन सा एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है, आपने सुना होगा, जब किसी के पैर का ऑपरेशन होता है तो बोलते हैं कमर में एक हड्डी, कमर की हड्डी में एक सुई लगाई थी और उसके बाद कमर के नीचे का पूरा भाग क्या हो गया? शून्य हो गया, है ना। तो वो क्या कहता है? स्पाइनल। स्पाइनल मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर वो मेडिसिन दी जाती है, वहां पे वो जो फ्लूड होता है उस फ्लूड में वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी कमर का नीचे का हिस्सा पूरा, जिस भी पेशेंट को दिया जाता है उसके कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरा क्या हो जाता है? शून्य। तो वो कहलाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्या कहलाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम अगर पेशेंट को क्या हो गया? शॉक लग गया या सदमा लग गया, तब हम उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। समझ में आ गया? उसके बाद हम क्या देखेंगे? ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा मतलब जो दमा के रोगी होते हैं, ठीक है, दमा के रोगी को भी यह मेडिसिन दी जाती है। दमा के रोगी मतलब जिसको सांस फूलना बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अस्थमा, अस्थमा भी बोल सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा भी बोल सकते हैं, दमा भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो मतलब क्या होता है, डिसीज होता है, ये डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो इस बीमारी में भी हम कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड ये क्या होता है, इसका यूज हमने हैलोथिन पढ़ा था, हैलोथिन पढ़ा था ना, हैलोथिन गैस पढ़ी थी सबने, पढ़ा था हैलोथिन, जब हम गैस क्या बोलते थे, गैस से क्या देते थे? एनेस्थीसिया, नाइट्रस ऑक्साइड, एलोथेन, हैलोथेन, ईथर वगैरह पढ़ा था ना। तो ये जो हैलोथेन है, हैलोथेन गैस के साथ भी अगर हम हैलोथेन गैस को दे रहे हैं पेशेंट को, कौन सा? गैस एनेस्थीसिया अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं उस टाइम में भी हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट किसको दे सकते हैं हम? स्पाइनल एनेस्थीसिया में लगने वाले शॉक में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, ब्रोंकियल अस्थमा है अगर किसी को, तब भी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा हैलोथिन, अगर एनेस्थीसिया, हैलोथिन से एनेस्थीसिया
सकते हैं। ये हो गए इसका यूज। प्रॉपर्टीज में हमने देखा ये किससे बना हुआ है, एफेट्रा वनस्पति से बना हुआ है। ये क्या करता है, हमारी ब्रेन की अनुकंपी तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर देता है। हमने इसका यूज देखा, अब हम देखेंगे इसका साइड इफेक्ट। तो अगर किसी पेशेंट को, मैं बार बार बोलती हूँ, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हर पेशेंट में नहीं देखा जाता, पर अगर जिसमें देखा जाता है, अगर किसी पेशेंट में उसका साइड इफेक्ट दिखा तो क्या देखा दिखेगा, पेशेंट को एंजाइटी होगी। एंजाइटी का मतलब बेचैनी होगी। सेकंड हम देखेंगे क्या होगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, पल्स रेट का पक्का। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, पल्स रेट का। ठीक है, तो पेशेंट टैकीकार्डिया में चला जाता है। सेकंड थर्ड हम देखेंगे नौजिया। नौजिया का मतलब क्या होता है, जी मचलाना। नौसिया का मतलब होता है उल्टी जैसा लगना, ठीक है, जी मचलाना। तो क्या कहलाता है, अगर हम वो उल्टी कर रहा है तो बोलेंगे वॉमिटिंग। अगर उसको बोल रहा है मुझे उल्टी टाइप का लग रहा है, मेरा जी मचला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नौसिया। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम अपने साथ भी यूज कर सकते हैं ना, जी ना मचला के हम बोल सकते हैं कि मुझे नौसिया हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग लग रहा है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इसका केवल एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये किसके जैसे होते हैं, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या थे, कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ठीक है, किसको नहीं देना चाहिए, हाइपरटेंशन। तो ये जो कौन सी मेडिसिन है, एफेड्रिन मेडिसिन है, ये किसको नहीं देनी चाहिए, हाइपरटेंशन, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को क्या है, पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या होता है, हृदय की धड़कना, जो मतलब हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाना, ठीक है, उस टाइम पे भी हम नहीं दे सकते। अगर पेशेंट को एंजाइटी, सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात कर रहे थे ना, तो अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि किस पेशेंट को नहीं देना, तो सबसे फर्स्ट नहीं देना जो हाइपरटेंशन पेशेंट है। हाँ, पेशेंट जब आता है तो हम पेशेंट में ब्लड प्रेशर बीपी के लिए वो लगाते हैं, ठीक है, और पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, एसपीओ2 ऑक्सीमीटर लगाते हैं, सब लगाते हैं, तो हमको वैसे भी मॉनिटर में उसका ब्लड प्रेशर शो होता है, फिर भी हम पेशेंट से ओटी में लेने के पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, बीपी बढ़ता है या स्लो होता है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपकी कोई हार्ट की सर्जरी तो नहीं हुई है, ये कोई आपको लंग्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी हिस्ट्री किससे लेनी पड़ती है, पेशेंट से। आप स्मोकर तो नहीं हो, स्मोक तो नहीं करते हो, ड्रिंक तो नहीं करते हो, अल्कोहल तो नहीं लेते हो। अगर अल्कोहल आप लेते हो तो कितना अल्कोहल लेते हो, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को, जो मैंने पहले भी बताया था जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या जो स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन पेशेंट को एनेस्थीसिया का प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब हम एनेस्थीसिया का डोज उन पे ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जिसका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो किसको नहीं देना है, फर्स्ट एफेड्रिन मेडिसिन, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसका थायराइड बढ़ा हुआ है। थर्ड हमने देखा था जिसकी कोरोनरी धमनी में रोग है, ठीक है, हार्ट की जो कोरोनरी धमनी है, अगर उसमें कोई डिसीज है तो हम उस पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सी मेडिसिन एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड खत्म होती है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बाद हम स्टार्ट करते हैं फिनाइल एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी, फिनाइल एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम फिनाइल एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये क्या करता है, ये किसके समान होते हैं, अगर ये एड्रेनालिन के समान होती है, ये जो मेडिसिन होती है किसके समान होती है, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती थी, नॉन एड्रेनालिन। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कैसी होती है, एड्रेनालिन, ठीक है। और परंतु इसमें क्या नहीं होता, टैकीकार्डिया नहीं होता। टैकीकार्डिया का मतलब क्या नहीं होता, हार्ट बीट्स नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो अगर हम इसके यूज की बात करें कि किस पेशेंट को इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है हाइपोटेंशन में। किसका, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेट से कम होना, ठीक है। तो पेशेंट का बीपी कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किस, सॉरी इसके और क्या देखा था इसमें, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। जो ऑर्थोस्टेटिक होते हैं, मतलब जिनको ऑर्थो की हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें अगर उस पेशेंट को अगर बीपी
लो है, ठीक है। ऑर्थो मतलब क्या होता है, हड्डियाँ, ठीक है। तो जिनमें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हड्डियों की भी बहुत सारी बीमारियां होती है, अगर उनमें ऐसा कुछ है और उसका बीपी क्या क्या है, कम है, तो उस पेशेंट को भी हम नहीं देंगे कौन सी मेडिसिन, फिनाइल एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब हम बात करते हैं एड्रेनलिन के अलावा अन्य लोकल, जैसे इस मेडिसिन का यूज कब कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है, लोकल का मतलब होता है छोटे, मैंने बताया था ना लॉक्स 2%, बताया था लॉक्स 2%, अगर छोटी सी सिस्ट रिमूव करना है और हमको लोकल देना है, मतलब अगर हमारे हाथ में छोटा सा सिस्ट है या ट्यूमर है, ठीक है, गठान है, उसको अलग करना है, अगर जरा सी सिस्ट है तो क्या आप उसको पूरा बेहोश करोगे, नहीं ना, आप उस जगह को बेहोश करोगे। तो लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है जो पार्ट, मेन पार्ट जहाँ पे हमको रिमूव करना है या ऑपरेशन करना है, उस पार्ट को उसको अगर हमको क्या करना है, शून्य करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो इस मेडिसिन का यूज एड्रेनलिन का नहीं करना लोकल एनेस्थीसिया में, भले ही इसकी प्रॉपर्टीज एड्रेनलिन के समान ही है, पर एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थीसिया में यूज नहीं करना, पर इसका फिनाइल एफेड्रिन को हम लोकल एनेस्थीसिया के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जो इसका साइड इफेक्ट है वो नॉर एड्रेनलिन के समान है, ठीक है। तो नॉर एड्रेनलिन का साइड इफेक्ट क्या था इसमें था, हमने देखा था सब, क्या देखा था, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, क्या लिख देखा था हमने, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, ठीक है, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस में हमने क्या देखा था, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये जो रोग होता है इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना, क्या होता है इसमें, टिश्यू सेल डैमेज हो जब वेन में अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और क्या हो गया, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट जमना, अगर किसी वेन में, हमारे शरीर की किसी वेन में क्लॉट, रक्त का थक्का जम गया है, तो उस रक्त के थक्के के बाद, जहां पे रक्त थक्का जमा हुआ है उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो पार्ट क्या होने लगेगा, डेड होने लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, क्या बोलते हैं, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस, समझ में आ गया। वेन में क्या होता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान अगर किसी वेन में क्या हो गया है, ब्लड का क्लॉट जम गया है, तो क्या नहीं होगा, अगर ब्लड का क्लॉट जम गया तो उसके आगे, मतलब अगर ये पूरी एक वेन है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पूरी वेन है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या हो गया, रक्त का थक्का जम गया, तो यहाँ तक तो ब्लड आएगा पर इसके आगे ब्लड नहीं जाएगा, और जब इसके आगे ब्लड नहीं जाएगा तो सेल्स और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है परिगलन, परिगलन का मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी के हाथ पैर पूरे काले होने लगते हैं और ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमको हाथ या पैर को काट के अलग करना पड़ता है, ठीक है, किसी किसी के पैर कटे हुए होते हैं, हो सकता है एक्सीडेंटल की वजह से, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड वहां पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर ब्लड सप्लाई, अगर आज एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है किसी कारण से 2 या 3 दिन बाद हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, तो क्या हुआ, उस पैर में 2-3 दिन बहुत कहलाता है, उस पैर में क्या नहीं हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो सेल तो डैमेज हुई, अब जब सेल डैमेज हुई और सेल के डैमेज होने से टिश्यू भी डैमेज हो गए, ठीक है, अब उसको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है, ठीक है, जब उसको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही तो वो क्या होगा, सेल डैमेज, टिश्यू क्या होगा, पूरे डैमेज होते जाएंगे, जब डैमेज होते जाएंगे तो उसका पूरा पैर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब सेल पूरे खत्म हो गए, डैमेज हो गए, टिश्यू पूरे डैमेज हो गए, पूरा पैर काला हो गया, उसके मतलब पूरा पैर एकदम खराब हो गया, सड़ गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पैर को अलग करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस, क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके डोज की बात करें, अगर हम इसके डोज की अगर बात करें तो ये डोज कैसा होता है, सबक्यूटेनियस दिया हो जाता है 5 मिलीग्राम, मैंने सबक्यूटेनियस बताया था, स्किन के जस्ट नीचे फैट में जो इंजेक्शन देते हैं उसे क्या बोलता है, बोला जाता है सबक्यूटेनियस।